दार। शाहजहांपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए सपा और बाकी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा की सरकार में बिजली केवल सैफई और आजम खान को मिलती थी, जबकि भाजपा ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई है और ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, जबकि भाजपा सरकार में अन्नदाताओं का कर्जा माफ किया जाता है। अकेले शाहजहांपुर में ही 68,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया है, जबकि सपा पूरे 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 लोगों को भी मकान नहीं दे पाई, जबकि हमने अकेले शाहजहांपुर जिले में 45,950 लोगों को मकान दे डाले। और उन्हीं से हमने स्टेकों पे करा करके कहा कि पहले ये स्टेकों पे करो तब शाहजहांपुर में जाना। और भाइयों बहनों, उन्होंने स्वीकृति दी कि गरीब के लिए अगर फ्री में राशन होगा तो सरकार अपने खजाने से पैसा देगी। और भाइयों बहनों, आज हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आपने विकास होते हुए देखा होगा, जहां कहीं बिजली नहीं वहां बिजली जा रही है, जहां कहीं सड़क नहीं थी वहां सड़क जा रही है, जिस गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को हर गरीब को। योगी ने कहा कि भाजपा की सरकार में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, यह भी सपा को रास नहीं आया और उसका निर्वाचन आयोग में शिकायत करके लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने का विरोध किया। अब हम सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नहीं बल्कि 21 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन और लैपटॉप देंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्पताल खान जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार में। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार एक हाथ में विकास रखती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर रखती है। यह बुलडोजर माफियाओं के छाती पर चलाने का काम करता है, इसलिए आज इस सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित हैं और गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार द्वारा विकास की योजनाएं ग्रामीणों को बताई और उनसे पूछा कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शाहजहांपुर के 4,17,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शाहजहांपुर में 22,173 दिव्यांगजनों को, 56,310 विधवा महिलाओं को और 1,02,468 वृद्धजनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा देने का कार्य कर रही। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।